अलवर में पंचायत चुनाव 3 चरणों में पूरे होने के बाद आज मतगणना हो रही है। 16 पंचायत समिति और उसके बाद 48 जिला पार्षद वार्ड की मतगणना होगी। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कहा कि 11 बजे बाद पहला परिणाम आएगा और 2 बजे तक पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम आएंगे। उसके बाद जिला परिषद के मतों की गणना होगी। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम मतगणना केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है। वहीं मतगणना पर्यवेक्षक के लिए RSD कछावा को लगाया गया है। अलवर जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों की आज मतगणना शुरू हो गई है। हमने सुरक्षा की दृष्टि से त्रिस्तरीय व्यवस्थाएं की हुई हैं। कैंपस के बाहर फोर्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तैनात हैं। कैंपस में भी फोर्स और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं। कैंपस के अंदर बरामदों में हमारी अलग से फोर्स और एक मजिस्ट्रेट अलग से लगाए हुए हैं। इस मतगणना के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है दीप्ति कछावा जी को। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो काउंटिंग के रिजल्ट सामने आए उसमें क्या लग रहा है? देखिए, अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन कोई पंचायत समिति में बहुमत की तरफ परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। कुछ देर में, अगले एक घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी कि अलवर जिले की 16 पंचायत समिति हैं, उनमें कितने लोग कौन सी पार्टी जीतकर सामने आ रहे हैं। अभी कुल 352 वार्ड है अलवर जिले में 16 पंचायत समितियों में, जहां के परिणाम आने हैं। 3-4 जगह परिणाम आ चुके हैं, जैसे लक्ष्मणगढ़ में 2 जो है कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कठुमर में पहले जो राउंड थे उनमें भाजपा आगे चल रही थी, जैसे गोविंदगढ़ में भाजपा आगे थी, लेकिन थानागाजी में पहले जो राउंड थे उनमें कांग्रेस आगे थी। तो अभी रुझान सामने है, लेकिन परिणाम कम आ पाए हैं। अगले एक घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी और जितने कांग्रेस और भाजपा के जो नेता हैं वो भी इस इंतजार में है कि कौन से उनके प्रत्याशी जीत दर्ज करा रहे हैं, ताकि उनके प्रधान के तौर पर उन पर दाव लगाया जा सके या पार्टी की ओर से लोग प्रधान के प्रत्याशी बनाए जाने हैं। वो उनकी जीत और हार पर डिपेंड करता है कि अगर वो कहीं जीत जाते हैं तो वो खुलकर सामने आ सकते हैं कि वो उन्हें प्रत्याशी बना रहे हैं, अपने आगे की व्यवस्था देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उन्हें बाड़ेबंदी में ले जाया गया था, जिन पर उम्मीद थी कि वो 80 टक्कर दे रहे थे। अगर वो जीत जाते हैं उन्हें बाड़ेबंदी में रखा जाएगा, अगर हार जाते हैं या कोई दूसरा प्रत्याशी जीतता है तो हर पार्टी की ओर से ये भी कोशिश की जा रही है कि जिताऊ प्रत्याशियों को अपने साथ जोड़ लिया जाए, निर्दलियों को, खासतौर पर निर्दलियों पर दोनों ही पार्टियों की नजर है। जी जी अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।